आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSK नॉलेज में। दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास की फिजिक्स है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो से स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आज उसी हम चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो जिसमें हमने शुरुआत किया था लाइट से, यानी लाइट क्या है जिसके बारे में हम लोग जाना था। और पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़े थे कहाँ तक, एक बार देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट तक पढ़ चुके थे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम वहाँ से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उस जो चैप्टर 1 का क्लास था उसी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि प्रदीप्त वस्तुएँ क्या है, यानी ल्यूमिनस गुड्स क्या होते हैं। तो कुछ वस्तुएँ प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो वस्तुएं प्रकाश जनरेट करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, कैंडल, लालटेन, ये सब क्या है, एक प्रकार का प्रदीप्त वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यानी जब कोई आपसे पूछे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो समझिए कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी जो वस्तु प्रकाश जनरेट करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है अप्रदीप्त वस्तुएँ, यानी जस्ट उसका इन्वर्स, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस गुड्स। यानी जो वस्तुएँ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएँ कहते हैं। यानी कुछ वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उससे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, घर, जो भी बोल लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट अनलिमिटेड है। जितना भी आपको दिख रहा है आसपास नज़र घुमा के देखिए, तो जितना भी आपको, अगर आप क्लास में देखिए आपके पास पेन है, बेंच है, टेबल है, बहुत सारी चीज़ें जो कि वहाँ पर प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है, यानी जनरेट नहीं कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि रे क्या है। ये मेन फिजिक्स जो हमारा 10th क्लास का यहाँ से स्टार्ट होता है, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसे हम लोग क्लियर पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या है, किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अभी बताया था प्रदीप्त वस्तु क्या है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जब कोई प्रदीप्त वस्तु, यानी जब कोई मान लीजिए जब कोई बल्ब जलता है, तो उससे क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में फैल जाता है। नोटिस किया होगा कि मान लीजिए ये बल्ब है हमारा, ठीक है, तो हम लोग जलता है तो क्या होता है, देखते हैं कि इधर भी लाइट, इधर लाइट, इधर लाइट, इधर लाइट, इधर लाइट, सब तरफ लाइट फैल जाता है, फैलता है। लेकिन हम लोग एक बात ध्यान रखना है कि जब भी प्रकाश चलता है तो हमेशा सीधा चलता है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, इस तरीके से सीधा चलता है, कभी प्रकाश इस तरीके से नहीं चलता है। हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई बल्ब जल रहा है तो अगर हम लोग इधर से उसको हाथ लगा के बंद कर देते हैं, देखते उधर अंधेरा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि मेरा हाथ यहाँ पर है तो लाइट ऐसे घूम के इधर से इधर नहीं आता है, कभी भी नहीं, वो सीधा आता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश एक सीधा रेखा में चलता है तो उसे हम लोग प्रकाशीय किरण कहते हैं, यानी उसे हम लोग रे कहते हैं। तो रे क्या है, अगर कोई प्रकाश एक सीधी रेखा में जा रहा है तो उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब आता है किरण पुंज क्या है, यानी बीम क्या है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, यानी जो हम प्रकाश का जो किरण देखें अगर उसके एक समूह को बात करें, जब प्रकाश की किरणें बहुत सारे प्रकाश किरण एक जगह मिलकर एक समूह बन जाता है तो उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना किसी बल्ब से किरण पुंज निकल रहा है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे रे की बात की जा रही है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि रे किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि बीम किसे कहते हैं, डिफाइन कीजिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये सब पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन कि बीम क्या और बीम के कितने प्रकार हैं, यानी किरण पुंज क्या और किरण पुंज के कितने टाइप हैं, वो पूछ दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि टाइप ऑफ बीम्स, यानी किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज 3 टाइप के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग। ठीक है, दूसरा है समानांतर किरण पुंज, यानी पैरेलल बीम। ठीक है, उसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज, जिसे बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, आप देख लीजिए, अब इसे नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा से बन जाएगा आपका नोट। ठीक है,
अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारा था अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग बीम क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग कि इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। एक बिंदु से क्या होता है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। इसमें आप देखिए, इस डायग्राम को देख के आप समझिए कि मान लीजिए हमारा पर यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है। तो जब बल्ब जलता है तो क्या होता है, देखते हैं इससे प्रकाश फैलना शुरू होता है, देखते हैं ना चारों तरफ। जैसे अगर बल्ब देखिए जितना ऊंचाई पर रहता है तो उसका प्रकाश का लाइट उतना दूर तक जाता है कि नहीं, फैलते जाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण अगर एक बिंदु से निकलकर फैलता हुआ जा रहा है, यानी फैलते जा रहा है, तो समझिए किस प्रकार का किरण है, तो अपसारी किरण पुंज है, जिसका सिंपल एग्जांपल है बल्ब। जब एक बल्ब से क्या होता है, किरण पुंज निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्ट पूछ दिया कि अपसारी किरण पुंज क्या है, बताइए, तो आपको वहाँ पर काम आएगा, ठीक है। अब आता है समानांतर किरण पुंज, यानी पैरेलल बीम क्या है। तो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है और बहुत अधिक दूरी से आती किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, यानी सीधा हो जाता है। अब सीधा कब होगा, तो जब जैसे सन, देखिए सन हम लोग से कितना दूर है, तो सन जब हमसे बहुत दूर है तो उसके सामने बहुत सारे प्रकाश की किरण हम लोग के पास पहुँचता है, बहुत सारे किरण आते हैं, तो उन किरणों देखते हैं हम लोग क्या होता है, एक साथ बहुत सारे सीधे सीधे किरण आते हैं, पैरेलल बहुत सारे आते हैं इस टाइप से। जैसे आपको यहाँ पैरेलल दिख रहा है ना, तो इस टाइप से यहाँ पर पैरेलल बहुत सारे किरण आते हैं। जैसे मान लीजिए सूरज है, तो इसे इस तरीके से निकलते आता है, सीधे सीधे रे निकलते जा रहा है। तो इस तरीके जो यहाँ पर पैरेलल पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, यानी कन्वर्जिंग बीम। इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब क्या होता है किरण पुंज, अभी हमने देखा क्या, अपसारी किरण पुंज में क्या देखा था, डाइवर्जिंग में क्या देखा कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत सारे किरणें जो क्या होता है दूसरी जगह से आके एक बिंदु पर जमा होता है। और ऐसा कब होता है, ऐसा आपने देखा होगा लेंस में, देखते हैं लेंस में क्या होता है कि बहुत जगह से किरणें जैसे इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, और एक पॉइंट पर वाकई जमा हो जाता है। आप लोग लेंस में देखें ना कि लेंस में क्या होता है, हम लोग जैसे धूप के सामने रखते हैं तो पत्ता जल जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत सारे किरण एक जगह आते हैं और एक पॉइंट पर आके जमा हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल आएगा कि बीम क्या है और बीम के टाइप बताइए, तो आप आसाम से तीन टाइप याद रखना है आपको, डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम और कन्वर्जिंग बीम, यानी कि अपसारी, समानांतर और अभिसारी किरण पुंज, ठीक। चलिए बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई कमेंट कर, आपको कोई सजेशन या सुझाव देना है तो मैं वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में उसको हम लोग अच्छे तरीके इम्प्रूव करके आपको सामने प्रजेंट कर सकें। थैंक यू।